अस्सलाम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप? आज हम बना रहे हैं बीफ टिक्का। तो ये मैंने लिया है 1 किलो बीफ। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे मैरिनेट। डालेंगे हम इसको बॉल में, 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें चिली सॉस, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून डालेंगे हम इसमें कच्चा पपीता। ये डालना ज़रूरी है, इसके साथ ही हमारा गोश्त गलेगा। 1/2 टेबलस्पून डालेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट। ये चर्बी के पीस हैं, ये भी 2 डालेंगे हम, क्योंकि हमने कढ़ाई में इसको टिक्का बनाना है तो ये हम ज़रूर डालेंगे इसमें, ये गलाने में मदद मिलेगी। 1/2 स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 स्पून टिक्का मसाला, 1/2 स्पून नमक, 1/2 स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 स्पून खुशक धनिया पाउडर, 2 चुटकी काली मिर्च, 1/2 स्पून डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डाल लें। 1 चुटकी डालेंगे हम ज़रदा कलर, 2 चुटकी डालेंगे हम इसमें ओरिगानो पाउडर, ये आपके पास है तो डाल लें वरना स्किप कर दें इसको। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे दही। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, इसको अब रखेंगे ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे। मैरिनेट का हमने कर लिया है तो रात भर रखेंगे हम इसको फ्रिज में। तो बीफ टिक्का हमने किया है ओवरनाइट, इसको मैरिनेट किया है, तो अब हम इसको डालेंगे कढ़ाई में। 2 चम्मच मैंने कढ़ाई में डाला है ऑयल, अब इसको डाल देंगे। फिर बोलिए ना, ये हम सीखों पे नहीं चढ़ा रहे, हम आग में भी नहीं पकाएंगे, हम बनाएंगे कढ़ाई में इसको। इसका ढक्कन करेंगे बंद और हम आधा घंटा इसको इसका ढक्कना नहीं खोलेंगे, तो ये स्टीम में ही पकेगा। देखें हमारा टिक्का तैयार है, बीफ टिक्का, तो बगैर सीखों के ही हमने ये कढ़ाई में तैयार किया है। अब हम इसको देंगे कोले का स्मोक। ये मैंने फॉल पेपर लिया है, इसके ऊपर रखेंगे। अगर आपके पास फॉल पेपर नहीं है तो कोई कटोरी भी रख सकते हैं। ये मैंने कोला गैस पे किया था, पकाया था इसको। इसके ऊपर डालेंगे घी या ऑयल, तो इसको कर देंगे बंद। ये उठाएंगे कोला और ये जो ऑयल है इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह, देखें बगैर सीफों के हमने ये टिक्का बोटी बना लिया, जायका बिल्कुल वैसा ही आपको लगेगा। इसको हम टमाटर के साथ गार्निश कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा है लग रहा है ये, और खाने में भी बिल्कुल वैसा ही आपको मज़ेका आएगा। तो हम एक पीस उतार के देखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।